नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण की और मैं हूँ ब्रिजवान गुप्ता। आप सभी के ब्रिस्टिक चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित विवरण, मतलब हिंदी भाषा है क्या, उसके जो व्याकरण होते हैं उसमें कितने प्रकार के व्याकरण होते हैं, क्यों व्याकरण, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना। ठीक, हिंदी का विकास चार शाखाओं में हुआ है। वो चार शाखाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी। ठीक, अब तो हम पहले देखते हैं पूर्वी हिंदी। ठीक, तो अवधी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषा आती हैं कौन सी? पूर्वी हिंदी में। फिर आते हैं पश्चिमी हिंदी में, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बंगला, ये आती हैं पश्चिमी भाषा में। ठीक, फिर हम बात करते हैं दक्षिणी हिंदी की, तो दक्षिणी हिंदी में मध्य प्रदेश, बंबई, कोचीन, मैसूर, ये एरिया की जो भाषा बोली जाती है वो सारी दक्षिणी भारत। ठीक, फिर आती है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में दोआब से दिल्ली तक, मतलब ये एरिया बताया गया है कि कौन से एरिया से कहाँ तक बोली जाती है, तो हिंदुस्तानी दोआब से दिल्ली तक बोली जाती है। फिर देवनागरी की व्युत्पत्ति एक नजर, तो देवनागरी की व्युत्पत्ति हम देखते हैं, तो प्राचीन संस्कृत में आती है लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृत। ठीक, लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृत, तो उसमें से पहली प्राकृत के अंतर्गत क्या क्या आती है? पहली मतलब पाली या दूसरी प्राकृत इसे बोल सकते हैं। ठीक, पाली या दूसरी प्राकृत में सौर सैनी, अर्धमगधी, मगधी। ठीक, फिर सौर सैनी के अंदर आती हैं नगर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, फिर अर्धमगधी अपभ्रंश। ठीक, तो नगर अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और इन दोनों के अंतर्गत वर्तमान हिंदी आती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृत, पहले इन दोनों के अंतर्गत कौन सी आती है? पाली या दूसरी प्राकृत। ठीक, फिर इसके अंतर्गत ये तीन आती हैं, सौर सैनी, अर्धमगधी या मगधी। फिर सिर्फ सौर सैनी के अंतर्गत आती है नागर अपभ्रंश, अर्धमगधी या अपभ्रंश। ठीक, फिर नागर अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और इन दोनों के अंतर्गत आती है वर्तमान हिंदी। ठीक, तो चलिए हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रमुख गुरु व शिष्य, मतलब कौन से गुरु के कौन से शिष्य थे या कौन से शिष्य हैं जिनके गुरु थे। ठीक, तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य शिष्य हैं किनके? जो गोविंद योगी गुरु हैं उनके, गोविंद योगी गुरु हैं और शंकराचार्य उनके शिष्य हैं। ठीक, फिर राघवानंद, राघवानंद के शिष्य रामानंद, कबीर, कबीर जी के गुरु रामानंद। ठीक, रामानंद के शिष्य रैदास, रैदास के गुरु रामानंद, मतलब कबीर, रैदास, पद्मावती, इन तीनों के गुरु रामानंद हैं और रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। ठीक, बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य के गुरु हैं विष्णु स्वामी, सूरदास, सूरदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य, मीराबाई, मीराबाई के गुरु हैं रैदास, तुलसीदास, तुलसीदास के गुरु हैं नरहरदास, जायसी, जायसी के गुरु हैं शेख मोहिदी, मैथिली शरण गुप्त के, मैथिली शरण गुप्त के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र के गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अगला। हिंदी में सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक, हिंदी में सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनके बारे में देखेंगे। हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार ने किया है, श्रावकाचार। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास। छायावाद की प्रथम रचना झरना। हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम हिंदी पत्र उदंड मार्तंड। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्णन।
विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पाणिनी, हिंदी का प्रथम कोषकार अमीर खुसरो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार पंत चिंदाकरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला महादेवी वर्मा यामा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975, हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक अमीर खुसरो, ठीक, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, हिंदी की आदि कवियत्री मीराबाई, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक, हिंदी प्रवेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार, ठीक, प्रमुखवाद, वाद और प्रवर्तक की बात हो रही है यहाँ पे, प्रमुखवाद, वाद और प्रवर्तक, तो रस संप्रदाय में भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय में भामह मम्मट, रीति संप्रदाय में दंडी बामन, रीतिवाद में केशवदास, प्रयोगवाद में अज्ञेय, छायावाद में जयशंकर प्रसाद। ये जितने भी वाद हैं, प्रयोगवाद, रीतिवाद, छायावाद, ठीक, इन सब के प्रवर्तक जो थे ये हैं, ये सारे, ठीक। तो हम इस तरह से प्रमुख बात पढ़े, ठीक। अब हम देखेंगे हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप, हिंदी का राष्ट्रीय स्वरूप क्या होता है। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में एक है, यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में हुआ था, ठीक। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2010 में मॉरिशस में होगा, ठीक। इस इन सम्मेलनों का उद्देश्य हिंदी भाषा को यूएनओ की भाषाओं में स्थान दिलाना है, यूएनओ की भाषाओं में स्थान दिलाना है, ठीक। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, तो भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था, और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। तो संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई, इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी, इसी कारण से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, ये आपको पेपर में बहुत ही सहयोगी होंगे। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया है, ठीक। प्रथम राजकीय भाषा का आयोग कब हुआ? 1955 में, ठीक। और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया है, ठीक। अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है, ठीक। 350 अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। संविधान के प्रारंभ में कितने भाषाओं का राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था? सिर्फ 14 भाषाओं का। तो वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक। पहले 14 भाषाओं का था, अब 22 भाषाओं का है, ठीक। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, अब यह हम बताएंगे यहाँ पे संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा, ठीक। संशोधन करके कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, ठीक। 71वें संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 92वें संशोधन 2003, ये 1967 में हुई थी, ये 1992 में हुई थी, ये 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक।
अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो ट्रिक मैं बनाया हूं, तो 71 नेपाली मणि के लाए, 92 बदमाशों ने चुराए। मतलब 91 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाशों ने चुराए। इसे आप लिख लीजिए दोस्तों, आपको ये ट्रिक याद करके सरल होगी, सरलता होगी जो कि आप इसे बना सकते हैं। तो 71वें संशोधन द्वारा नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ठीक, नेपाली कोंकणी मणिपुरी संशोधन हुआ था, ठीक। 92 बदमाश ने चुराए, तो 92 संशोधन द्वारा वर्णों, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है संस्कृत, ठीक, उर्दू और संस्कृत। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। अब बात करते हैं व्याकरण की, ठीक। तो व्याकरण में क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये याद रखिएगा, हो सकता है संभवता ये आए दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन सी, संयुक्त व्यंजन फोर में, छत्री, त्रा, ज्ञ, स्र, खा, रा, भा, रा, ठीक। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, द्विगुण व्यंजन दो में, ळा, ढा, ठीक। वर्ण भेद, स्वर और व्यंजन हम जानेंगे, ठीक, वर्ण के भेद जो होते हैं स्वर और व्यंजन। तो ह्रस्व में आ, ई, उ, ए, ओ, ऋ, उच्चारण में कम समय, ये ह्रस्व जो होते हैं इनको उच्चारण में कम समय लगता है दोस्तों, ठीक। तो ये ह्रस्व है, ठीक। फिर इसके बाद दीर्घ, तो दीर्घ में क्या होता है, आ, ई, उ, ए, औ, मतलब उन्हीं के बड़े वाले रूप, दीर्घ रूप, ठीक। वो लघु थे, ये दीर्घ हो गए, उच्चारण में ज्यादा समय लगते हैं, जैसे आ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक। तो ये सारी चीजें ज्यादा समय लेती हैं। फिर अग्रस्वर की बात करें तो अग्रस्वर में क्या होता है, ई, लघु ई, दीर्घी, ए, जीभ का अग्रभाग ऊपर उठता है, ठीक। बोलने में अलग अलग होते हैं, ठीक ना। मध्य स्वर आ, जीभ सम अवस्था में रहती है आ। पश्च स्वर बड़ा आ, उ बड़ा उ, ओ औ, जीव का पश्च भाग उठता है, ठीक। शिथिल, शिथिल में आ, ई, उ, कठोर बड़ा बड़ी बड़ा उ। अवर्तुल, ई बड़ी ए, वर्तुल, उ बड़ा उ, ओ औ। अर्धवर्तुल बड़ा, विव्रत बड़ा, समव्रत ई बड़ी उ बड़ा उ, अर्ध विव्रत ए ओ, अर्ध समव्रत ए ओ। लुत स्वर यस जैसे रा, ये यस जैसे होता है लेकिन बड़ा की तरह होता है, ठीक। अब व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन संख्या 25 है, क से म तक, क से लेकर म तक की जितनी भी संख्या है वो 25 है और स्पर्श व्यंजन है, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। अष्टम व्यंजन सा, खा, सा, हा, ये उद्यम व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांट सकते हैं हम, स्पर्श व्यंजन को, इस व्यंजन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक। पांचों लाइन के पहले पहले अक्षर का नाम ले लिया गया और उनमें वर्ग बता दिया गया है। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, का खा, का से अंगा, चा से इया, टा से अणा, ता से ना, पा से मा, ठीक। आघ्योष व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। घ्योष व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। अल्प प्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। पार्श्विक व्यंजन ला। उत्प्रक्षिप्त व्यंजन डा, ढा। लुंडित रा। तो ये हमने देखे क्या व्यंजन। अब उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि क्या होती है, संयुक्त ध्वनि। ये ध्वनियां ज्यादातर तत्मस,
तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं, क्लांग प्राण प्रकर्ष। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि क्या होती है, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी हो। तो कंबल यहाँ का वा के साथ मा जुड़ा है। युग्मक ध्वनि, इसमें एक अक्षर किसी शब्द में आधा व पूरा आता है। प्रसन्नता, उत्फुल्ल इत्यादि, इस तरह से क्या होती हैं, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि होती हैं। अब हम बात करेंगे शब्द विचार की, जो कि हम आपको अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे कि शब्द विचार क्या होता है। इसके आगे के सारे ट्यूटोरियल्स आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।